हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हमारे घर में नाश्ते में क्या बन रहा है आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा, तो चलते हैं। तो कढ़ाई चूल्हा पर आ गया और इसमें प्याज को फ्राई अभी हो रहा है, और इसके बाद इसमें बोल दो आलू का भुजिया ही बनेगा जैसे आप देख रहे हैं। तो आलू, इसमें आलू का कटा हुआ भाग इसमें रखा गया है और इसको थोड़ा इसमें मिला उला देते हैं, तो आलू का भुजिया बनेगा। इधर बच्चा लोग रसना खरीद के लाया दुकान में से, और रसना को पानी में मिला रहा है, और इसमें अभी रसना में चीनी डाल रहा है मीठा होने के लिए, और इसको चीनी रखने भी नहीं आता है तो पर भी चीनी रख रहा है इसमें, और इसको हिलाओ थोड़ा सा। अवश्य तो इसको हिला दिया ये, और ये देख रहे हैं गिलास लेके पहले ही खड़ा है कि हमको रसना चाहिए। इधर आटा गूथा जा रहा है, देखते हैं क्या बनता है आज। और इधर थोड़ा हम हल्दी भी डाल देते हैं इसमें, जिससे भुजिया में भुजिया सही से बने। और इधर आटा गूथना चालू हो गया है, तब तक हम थोड़ा तैयार हो जाते हैं, स्कूल जाना है तो कपड़ा पहनते हैं। चलिए कपड़ा पहन लिए, अब स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो चलो अब नाश्ता करना है, तो देखते हैं नाश्ता तैयार हुआ है कि नहीं। इधर आटा अभी गूंथ ही रहा है, तो अभी रास्ता नहीं तैयार हुआ है। और इधर ये दूध है, इस दूध का आज खोआ बनेगा। और इधर भुजिया तैयार है, लगभग में भुजिया तैयार हो चुका है। और इधर ये लड़का लोग लहसुन छिल रहा है, लहसुन का क्या करेगा पता नहीं है, मगर इधर इधर जो हम पीछे आप देख रहे हैं यही मेरा बैकग्राउंड है, यहीं पर हम वीडियो बनाते हैं। और इधर पूरी बनेगा लगता है, पूरी बना के तेल रखा हुआ है कढ़ाई में, और ये इसका फर्मा कट रहा है गिलास से, क्योंकि स्कूल जाना है इसलिए स्पीड में बनाना है, इसलिए ग्लासेस से उपयोग किया जा रहा है इसका, और ग्लास से ही इसका फर्मा बना के इसको तैयार किया जाएगा पूरी को। और ये पूरी डाला जा रहा है तेल में, और ये तैयार भी हो जाएगा थोड़ा देर में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी अपना तला रहा है अभी, तो यहाँ देख सकते हैं मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। और नाश्ते में देख सकते हैं यहाँ पूरी है, भुजिया है, और रात का जो खीर बना था तो वो खीर भी गर्म करके रख लिए हैं, और यही है नाश्ता में आज। और हमारे साथ मेरा बेटा भी साहित्य कुमार भी बैठा हुआ है, और ये भी खाएगा, और ये छोटा वाला भी अभी खा ही रहा है, इसको बहुत ज़ोर से भूख लगा था इसलिए अभी तक खा ही रहा है। तो अब नाश्ता कर लिए हैं, और मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।